किसी सियासी मुद्दे के लिए गरमाया जाता रहा। नमस्कार, कहता है वोटर की टीम आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा सीट पर मौजूद है और यहां पर ये तमाम मतदाता हैं जो 18 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे। 18 तारीख को आप सब वोट डालेंगे? जी। सब वोट डालेंगे जी। तो इनके वोट की ताकत कितनी मजबूत है? अलीगढ़ में किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं इस बार आप? अलीगढ़ में एक तरफा मुकाबला है, सिर्फ भाजपा ही आएगी क्योंकि भाजपा ने इतना काम करा है जमीनी लेवल पर भी और हर तरह के लेवल पर जिसमें के किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो रही। भाजपा ही एक ऐसा नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो भाजपा ही पूरा कर सकती है। चलिए विश्व गुरु की बात है, क्या लगता है अलीगढ़ में इस बार मुकाबला किस तरीके का देख रहे हैं आप? अलीगढ़ में मुकाबला खुल्लम खुल्ला है। यहाँ जो मुकाबला होगा ना तो मोदी जी में होगा ना ही सांसद सतीश गौतम का होगा, यहाँ मुकाबला कांग्रेस के साथ होगा जिसका भी मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं? त्रिकोणीय नहीं, जिसका भी मुकाबला होगा कांग्रेस के साथ होगा। आपको क्या लग रहा है इस बार की तस्वीर क्या है? इस बार की बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, पूरे देश में ऐसी लहर है। इस बार गठबंधन का जो है कैंडिडेट है वो यहाँ से जीत करके आएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RLD का जो पैक्ट हुआ है उससे जनता में एक ये जनता का गठबंधन है। जनता ये चाहती है क्योंकि मोदी सरकार की नीति और रीति से ये दुखी होकर के ये जनता का गठबंधन काम हुआ है। अलीगढ़ में काम हुआ है? अलीगढ़ में आप खुद देख लीजिए जाकर के, चारों तरफ स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। अगर देश के अंदर आपको एक भी स्मार्ट सिटी दिखाई देती हो तो आप लोग ही बताने का कार्य करेंगे। आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया एक लोकतंत्र है। चलिए, राहुल गांधी कह रहे हैं 72,000 सरकार आई तो 72,000 देंगे, आप क्या कहेंगे? आज तक तो 72 रुपए नहीं दिए, अब तक तो कांग्रेस का ही राज रहा था, अब BJP आ गई तो अब ये 72,000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, 72,000 नहीं दे सकते, अगर देंगे तो कहाँ से देंगे? 5 करोड़ लोगों को 72,000 रुपये देना है, 3,60,000 करोड़ रुपये चाहिए, कहाँ से ला कर देंगे? क्या अपने खजाने से ला कर देंगे जो स्विस बैंक में जमा है कांग्रेसियों का, इनका कहाँ से ला कर देंगे? ये मुद्दा है। कुछ और लोग हैं, अलीगढ़ में मुद्दा क्या है चुनाव में, इस बार कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है? अलीगढ़ की जनता बहुत समझदार और बहुत होशियार है। अलीगढ़ के में जितना विकास हुआ है इन 5 सालों में, विगत 5 सालों में, मैं भी यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हूँ, मैंने भी जितने विकास कार्य किए, माननीय विधायक जी ने जितने विकास कार्य किए, माननीय सांसद जी ने विकास कार्य किए, इससे पहले जितने भी पहले सांसद रह चुके उन्होंने किसी ने भी कोई भी विकास कार्य नहीं किए। आज आप गांधी पार्क को भी देख सकते हैं जहां पर ये डिबेट हो रही है, आज से 10 साल पहले इसकी हालत देख लीजिए और आज इसकी हालत देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। क्या लग रहा है चुनाव में मुद्दा कौन सा हावी रहेगा इस बार? नहीं, चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, खाली मोदी जी, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, वो जो मिल रही है नौजवानों को वही। महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या लगता है इस बार आधी आबादी की बात होती है, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार कौन सा मुद्दा है? वोट डालेंगी ना आप? बिल्कुल डालेंगे, और वोट डालेंगे अपने सिर्फ मोदी जी को, और एक तरफा आएगा, आप रिजल्ट देखिएगा, 23 तारीख कांग्रेस और ठगबंधन दोनों गए, और सिर्फ जीतेंगे मोदी क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। आप उठा के देखिए 55 साल का इतिहास और 55 महीने का इतिहास, 55 महीने में जो विकास हुआ है वो आप क्या 55 साल से देख सकते हैं? 55 साल में इतना तुष्टीकरण की राजनीति ले लीजिए, घोटालों की राजनीति ले लीजिए, अपने पेट भरे हैं इन लोगों ने। महिलाओं की राजनीति में आने की बात होती है, प्रियंका गांधी एक्टिव रोल प्ले कर रही है इस बार, देख रहे हैं पूर्वांचल की कमान संभाल रही है कांग्रेस से, महिलाओं का राजनीति में आना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, आप देख लीजिए पहले लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी और आज लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं हर चीज में, हर क्षेत्र में। आजकल किसी पेरेंट्स को डर नहीं रहता है कि हमारी लड़कियां बाहर क्यों जा रही हैं, और मोदी सरकार जी ने ऐसी हर जगह व्यवस्था बनाई है कि लड़कियां सेफ हैं। क्या लगता है अगर प्रियंका की बात करें तो प्रियंका का जादू उत्तर प्रदेश में चलेगा? नहीं, बताइए, आप वोट डालेंगी ना, बताइए तो फिर। हाँ, वोट डालेंगे, भाजपा को ही वोट डालेंगे। तो प्रियंका का जादू चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है इस बार अलीगढ़ क्या कुछ कहने जा रहा है? अलीगढ़ को हम दंगों के लिए जानते हैं, अलीगढ़ को तालों के लिए जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसमें सियासी माहौल गरमाता है उसको जानते हैं, इस बार अलीगढ़ की जनता क्या कहने वाली है? दिल्ली की गद्दी जो है पूरे प्रदेश से अलीगढ़ होके जाती है, और केंद्र के अंदर जो सरकार का प्रतिनिधित्व जो ज्यादातर लोग व्यवस्था रहती है, चाहे हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों और बहुत वरिष्ठ नेता रहे हों, वो अलीगढ़ से ही बने हुए हैं। रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार ये देखने को मिला है कि कुछ थोड़ा सा जो वहाँ अंदर खाने जो व्यवस्थाएं चलती थी, देश विरोधी व्यवस्था चलती थी, उसके प्रति यहाँ की प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सक्षम प्रयास किया जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है, और निश्चित ही आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्थाएं देश हित में आवश्यक है। क्या लगता है अलीगढ़ में इस बार कौन सा मुद्दा गरमाएगा? अलीगढ़ में इस समय जिन्ना का मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया हुआ है, जो कि हमारे माननीय सांसद जी ने उठाया था, और जिसकी वजह से अलीगढ़ की राजनीति का बहुत कुछ कायाकल्प होने वाला है, जो कि लोगों के दिमाग में आ चुकी है कि जिन्ना की तस्वीर जो यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, एक बात बताइए मुझे, जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी में लगाने का कारण क्या है? वो मोहम्मद अली जिन्ना? हम अलीगढ़ में रह करके धार्मिक चीजों को
को लेकर के बात करते हैं, क्या धर्म का नजरिया मजहब के नाम पर चीजों को देखना सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हिंदू हैं, हम हमेशा हिंदू की बात करेंगे। और मोदी जी जो है पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मोदी का कोई सानी नहीं है। मैं हर धर्म के, हर जाति के लिए काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए, गरीब हो शोषित हो, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और मैं दुश्मन कह रहा हूँ क्योंकि दुश्मन छाती पीट रहे हैं, मोदी फिर से जीत रहे हैं। क्या लगता है? एक बात आती है, चौकीदार की बात आती है, क्या देश का हर नागरिक चौकीदार? आप चौकीदार हैं। अभी आप धर्म के मुद्दे की बात कर रहे थे, लेकिन ये देश हम लोगों को ना हिंदू की बात करनी चाहिए, आप लोग आप सुनने की बात करें यहाँ पर। जी जी बताइए। जब इंसानियत की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम की बात करनी चाहिए। सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग इंसान हैं, इंसानियत की बात करके हमें चुनाव में आना चाहिए। बेकार लगता है, क्या लगता है आपको? मोदी जी तो 125 करोड़ देशवासियों को लेके चलते हैं, वो कौन से हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? अगर मुस्लिम की बात होती तो उन्होंने कितने मुस्लिमों को निकलवाया है विदेश उससे? ये क्या बात हुई कि हम बात कर रहे हैं और जीतेंगे? आपको क्या लगता है बहन जी, आपको क्या लगता है इस बार क्या क्या चुनावी रंग कैसा है अलीगढ़ में? चुनावी रंग हिंदूवादी नहीं है, पूरा ही विश्व बिना हिंदूवादी है। हिंदू मुस्लिम सब एक समान मान रहा है मोदी तो। आखिर जब आप बात करती हैं तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चश्मे पे हम आगे के रुक जाते हैं, हमें तो विकास चाहिए या कुछ हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा चाहिए? हमें तो विकास ही चाहिए, हिंदू मुस्लिम में कोई बंटवारा नहीं है, यहाँ विकास हो रहा है और होगा और बीजेपी जिंदाबाद। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, बताइए बताइए क्या करें। जो लोग 55 साल में 55% बैंक में खाते नहीं खुलवा पाए, वो लोग खाते में 72,000 डालने की बात करते हैं। आज से कुछ साल पहले बैंकों में आदमी घुसने से घबराता था, बैंकों में आदमी घुसने से घबराता था, आज वो सीना खोल के जाता है बैंक में, क्या लाभ हमारे बैंक में? हमारे बताइए, आप कह रहे हैं मोदी जी ने जनधन के नाम पर 0 अमाउंट के नाम पर खाते खुलवाए और उसके बाद में हजारों करोड़ रुपए गरीबों के ले गए, किसी के 500 थे वो चले गए, हजारों के वो ले गए, पूरे माइनस पूरी बात। और ये विकास की बात करती है, विकास हुआ है बीजेपी का क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पे आए थे और सीता कुछ और भी लोग। एक सेकंड, मेरी एक सेकंड और। माता सीता बहुत दुखी है भाजपाइयों के काम से और खरबों रुपए डकार गए मेरे पति के नाम से, राम मंदिर तो बना नहीं। हाथी 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 को इस बार साइकिल का साथ मिला है, कैसे देख रहे हैं? देखो सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक कांग्रेस वाले भाइयों ने या समाजवादी या बहुजन समाज वालों ने कहा कि अलीगढ़ में त्रिकोणीय है, ऐसा कुछ नहीं है। अलीगढ़ में एक तरफा लहर है, भाजपा इस बार पुणे बेहतरीन से बेहतरीन वोटों से जीत कर आएगी और जो बहन अपने भाई की सगी ना हुई वो भतीजे की क्या सगी? इसलिए भाजपा के अलावा हर हिंदू पर और खास तौर से अलीगढ़ में कोई भी विकल्प नहीं है, हमारा मोदी विश्व गुरु होने जा रहा है। अलीगढ़ में इस बार हमने देखा कि उद्योगों को लेकर के, रोजगार को लेकर के कुछ हुआ है, क्या लगता है रोजगार आया अलीगढ़ में? सर हुआ है बिल्कुल, आप देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा था, ये भाजपा की देन है कि आज मैं दलित समाज से आता हूँ, मेरा नाम राहुल चेतन है, आज मेरे ऐसे समाज के लोग आज एएमयू में अपना दाखिला लेने के लिए जाते हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये भाजपा की देन है कि आज दलित समाज एएमयू में पढ़ सकता है, ये भाजपा की देन है कि आज गैस चूल्हे के लिए लाइन नहीं लगती, अच्छी राज में जाकर लेता है, ये भाजपा की देन है, आज ये भाजपा की देन है कि आज दलित समाज का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने समाज का, देश का उत्थान करने के। क्या लगता है युवा है आप, क्या लगता है तस्वीर बदली है अलीगढ़ की? बिल्कुल बदली है साहब, अगर आप विकास जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो अपने पास में यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और जो यहाँ पे बड़े बुजुर्गों के लिए लिफ्टें लगाई गई हैं, 5 रुपए में आरओ का पानी मिलता है, जो 20 रुपए की बोतल स्टेशन में बिकती है मशीन से 5 रुपए। ये विकास की बात हो रही है, कुछ और लोग हैं। जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि जब पाकिस्तान आके हमको धमका के चला जाता था, आज उसके घर में जाके उसकी घुस के मारा है। दूसरी चीज, अलीगढ़ को फ्रेट आपके ये डिफेंस कॉरिडोर एक पूरी पहल बनाई है जो अलीगढ़ झांसी कानपुर मुरादाबाद होकर जाएगा, ये सब विकास की ही देन है, जिससे कि कभी भी कोई जरूरत पड़े तो तुरंत तत्काल से कहीं पर भी किसी भी प्रकार का एम्यूनेशन लिया जा सके। साथ ही साथ अलीगढ़ के विकास की, अलीगढ़ है जहां पर लोग अपनी बात को कर रहे हैं 18 तारीख को यहां पर वोटेंगे। 2014 की बात करें तो 2014 में जो तस्वीर उभरी थी उसमें यहां से बीजेपी से सतीश गौतम ने यहां पर जीत हासिल की थी और बीएसपी के अरविंद सिंह को हराया था, मात दी थी उस वक्त। 2017 की अगर बात कर लें तो विधानसभा का चुनाव हुआ था और 5 यहां पर विधानसभा की सीटें, 5 विधानसभा लोकसभा मैं आपको बता दी आती हैं और 5ों विधानसभाओं में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, तो यह सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। हमारे साथ बातचीत करने के, बताइए। मैं आखिरी बात कहूंगा, आप विकास की उम्मीद जो जनता करती है, इनसे जनता विकास की उम्मीद नहीं करती है क्योंकि विकास
अगर पैदा कर सकता है तो मर्द कर सकता है, जिले का भी विकास पैदा कर ही नहीं सकते हैं। चौकीदार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस सरकार ने लागू कराया, दलित समाज कहीं एडमिशन नहीं हो पाती है, और जो है मैं आपको विकास की बात बताती हूँ। कल की बात लीजिए, कल जो वो भेजी गई है मिसाइल, उसकी वजह से जो हम लोग आज सैटेलाइट को बेच सकते हैं वो विकास नहीं और क्या है। ये वैज्ञानिक पहले भी थे, ये वैज्ञानिक, ये कांग्रेस की देन है, ये बहुत, ये कल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये कह रहे हैं विकास जैन पैदा करते हैं, लेडी क्या करेगी फिर, सब जैन पैदा कर लेंगे। अलीगढ़ को क्या, अलीगढ़ को क्या मिला है, ये बात मैं समझ रहा हूँ, बात समझ रहा हूँ। डिफेंस कॉरिडोर मिला है सर, अलीगढ़ को डिफेंस कॉरिडोर मिला है, उससे अलीगढ़ में आयुध के कारखाने लग रहे हैं। आज हमारे मित्र, हम स्वयं खुद भी 10,000 करोड़ रुपए अलीगढ़ को सेंक्शन करे उन्होंने कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्या लगता है अलीगढ़ को क्या मिला है, अलीगढ़ को क्या मिला है? अलीगढ़ को जो भैया इतना सब कुछ मिला है कि अलीगढ़ जो स्मार्ट सिटी में आ गया, और उसे भी छोड़िए आप, सबसे बड़ी पहलू देखिए, आज यहाँ माता बहनें एकदम इज्जत से निकल सकती हैं। आज कोई रात में 12 बजे निकलती है तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, ये दिया मेरे मोदी ने, और मैं मोदी के साथ हूँ। अलीगढ़ की तस्वीर बदली है, क्या लगता है? अलीगढ़ की तस्वीर इतनी अच्छे ढंग से बदल रही है कि अभी 3 महीने पहले से ही स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम शुरू किया है अलीगढ़ में, उसके लिए जितना भी हमारे चौराहों को, नालियों को, सड़कों को, उनके लिए इतने तेजी से काम शुरू कर दिया गया है कि अलीगढ़ जो है वो बहुत अच्छे नंबर पे आ जाएगा हमारा, जिससे कि हमारे पूरे अलीगढ़ का जो चौमुहा विकास है वो और बढ़ेगा। चलिए विकास की बात हो रही है, और पीछे चलिए हमारे साथ आप सब लोग हैं, आप सब लोग अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं, देखिए, बताइए क्या करें आप लोग, देख लीजिए, विकास अगर सबसे ज्यादा हुआ तो हमारी सरकार में हुआ। आपने नोएडा एक्सप्रेस वे देखा, यहाँ पर ग्रीन एक्सप्रेस वे देखा, नोएडा के अंदर मेट्रो चलाने का कार्य हम लोगों ने किया, इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम से लेकर के और अपराध से लेकर के सबको कंट्रोल रखने का कार्य इस उत्तर प्रदेश के अंदर करे। इनकी इनकी सरकार खाली पत्थरों की सरकार है, ये अपनी सरकार में विकास की बात करती है। जितने भी पार्क बने, जितने भी पार्कों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया, वो बहन कुमारी मायावती ने खर्च किया, और ये अभी विकास की बात कर रहे हैं, आम जनता कहाँ है आज? बिल्कुल मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, जैसे कि आपने कहा क्या अलीगढ़ के अंदर दंगा धर्म जाति के नाम पर इलेक्शन हुआ करते थे, जब से माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है ये सपाई बसपाई और कांग्रेसी दंगा मुक्त हो गया है। ये दंगा कराते थे, धर्म के नाम पे बांटा करते थे, और जब से योगी जी की सरकार आई है ये बिल के अंदर घुस गए हैं, और इनकी औकात नहीं है कि ये बाहर आकर के दंगा करा दें। आज पूरा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बताइए बताइए क्या करें भाई साहब। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में जो फर्क है, वो आज भी आर्थिक लालच देकर वोट मांग रहे हैं, उनको आज भी भरोसा नहीं है कि विकास के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं, वो 6,000 रुपये महीने की भीख देना चाहते हैं। जनता ये जानती है, जनता स्वावलंबी बनना चाहती है, और जनता विकास के नाम पर ही वोट देगी, अब कांग्रेस के आर्थिक लालच में नहीं फंसेगी। ये भारतीय जनता को स्वाभिमान जगाने के लिए जो मिनिमम इनकम गारंटी की घोषणा की है राहुल गांधी जी ने, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिसकी मिनिमम आज 6,000 है, 6,000 गवर्नमेंट देगी, 8,000 है, 4,000 देगी। आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? एएमयू में रिजर्वेशन का मुद्दा भी गरमाया रहा है। बिल्कुल, एएमयू में रिजर्वेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या कहते हैं? रिजर्वेशन का कोई वही नहीं है जो है उसमें, नहीं, इसके लिए न बसपा बोलती है, न कांग्रेस बोलती है, सिर्फ भाजपा बोलती है। भाजपा ने कहा कि एएमयू में रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन और पार्टियां मुंह बंद करके बैठ जाती हैं। सांसद यहाँ के सतीश गौतम, सांसद सतीश गौतम का विरोध हो रहा है, तमाम गाँव में सांसद सतीश गौतम का विरोध हो रहा है। देखिए पहली बार अलीगढ़ के अंदर 516 लाइट लगी है,
संगठन गढ़े चलो, सुबंध में बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार किया है तो मोदी जी ने किया है। पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश आज सबसे ऊंचा पहुंच गया। कहां से कहां था सतीश गौतम ने अलीगढ़ के लिए काम कराया है, बिल्कुल कराया है, बिल्कुल कराया है, कोई विरोध नहीं है। सतीश गौतम ने इतना विकास कराया है, मैं समझता हूँ शहर के अंदर कई लोग बीमार थे। गौतम जी को कोई जानता भी नहीं है, यहाँ के किसी भी शहर के किसी भी कोने में सतीश गौतम नहीं पहुँचे हैं। आज तक के रिकॉर्ड में सांसद जी को कहीं कोई किसी ने देखा नहीं। अभी भी कई गाँव में उनका विरोध हुआ है, गाँव में से उनको भगाया गया है, सांसद जी को गाँव की जनता ने खैर से भगाया है, गौशाला भी बनवाएंगे। आप ये देखिए पूरे शहर के अंदर सतीश गौतम जी का सर्वे करिए, अगर सतीश गौतम जी को यहाँ का नौजवान जानता हो तो आप लोग बात करने काम करिए। सतीश गौतम का विरोध हुआ, सतीश गौतम का विरोध हुआ, आरोप लग रहा है। सब प्यार मोहब्बत की बात है, सबसे बड़ी बात जिस सतीश गौतम सांसद ने एएमयू के हर मुद्दे पे अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसे सांसद को हर बार लाना चाहिए, क्योंकि वो कायदे की बात करते हैं। 2,87,000 वोट से जीतने वाला आदमी जो हर सभी के आरक्षण पर बोलता हो, जो एएमयू में आरक्षण के खिलाफ बोलता हो, जिन्ना की तस्वीर के खिलाफ बोलता हो, ऐसे सांसद कौन सा फैक्टर काम करेगा, कौन सा फैक्टर इस बार चुनाव में काम करेगा? भाई साहब इस बार नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी, राहुल जी और प्रियंका का स्पष्ट संदेश है, हम प्यार से जीतेंगे। प्रियंका जी ने तो आज के भाषण में आज ही बोली है कि 2024 की तैयारी करिए, वो तो खुद ही हार गई। राहुल तो बेरोजगारों को भी बेरोजगार बना रहा है, सोने एक आलू डालेगा सोने का सिक्का निकालेगा, वो तो खुद ही बेरोजगार बना रहा है और लोगों को वो क्या विकास करेगा। बीजेपी का हाल बेहाल होने वाला है। रामचंद्र के आयुष्मान योजना केवल 3 महीने हुए, 3 महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने फायदा उठा लिया आयुष्मान योजना। चुनाव में इस बार मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा ही विकास का है इस पूरे देश में। जितना विकास इस समय 5 साल में मोदी जी ने किया है अभी तक किसी ने नहीं किया, चाहे किसी की सरकार रही हो। और कांग्रेस जो अब ये पैसे दे देगा पब्लिक को लुभाना चाह रही है कि हम 72,000 रुपए हर व्यक्ति को देंगे, तो कैसे होगा? ये आज तक तो नदिया नहीं। एयर स्ट्राइक का मुद्दा क्या लगता है इस बार चुनाव में हावी रहेगा? बिल्कुल हावी रहेगा। जो 55 महीने में माननीय मोदी जी ने निर्णय ले लिया, निर्णय लेने की क्षमता माननीय मोदी जी के अंदर जो है वो 60 साल में कांग्रेस की सरकारों ने निर्णय नहीं लिया। पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले होते थे लेकिन उनको निंदा करके केवल छोड़ दिया जाता था, कभी निर्णय नहीं लिया, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया गया। पुलवामा हमले में हमारे 40-42 जो है देश के जवान शहीद हो गए, उसका मोदी जी ने तुरंत निर्णय लिया। उरी हमले के बाद तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हमले के बाद तुरंत बाद जो है एयर स्ट्राइक की। आज से 5 साल पहले केवल VIP क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, एक परिवार के लोगों को बिजली मिलती थी, आज पूरे यूपी के अंदर पूरे देश के अंदर 18 लाख गाँव के अंदर बिजली पहुंची पहली बार मोदी जी की। भाई साहब कुछ नहीं है, बिजली आज भी किल्लत है, काफी किल्लत है। और इन्होंने कहा था गंगा सफाई परियोजना लाए थे लेकिन गंगा तो साफ हुई नहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति साफ कर दी। मेरा मानना है गंगा तो साफ हुई नहीं, बीजेपी जरूर साफ हो जाएगी। और मैं अपनी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहले पूर्ववर्ती यूपी की गवर्नमेंटों में लाइट नहीं मिलती थी, मेरे को 750 रुपए रोज का डीजल भूगना पड़ता था, आज मेरे को 2 रुपए का भी डीजल नहीं भूगना पड़ता। ये तालों का शहर है और जाहिर तौर पे इसको खोलने के लिए कई नेताओं ने अपनी चाबी का इस्तेमाल किया है, इस बार ताला उद्योग के क्या हाल है? सर ताला उद्योग के लिए मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी हमें छूट ये मिली है कि जो सड़कें अच्छी हुई है उससे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है। अलीगढ़ से कलकत्ता ताला भेजने में पहले 15 दिन लग जाते थे, आज 4 दिन में अलीगढ़ से कलकत्ता ताला पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नोटबंदी और GST की बात होती है, नोटबंदी और GST की बताएंगे। GST का ये फायदा बताते हैं कि चोरी रुकेगी, टैक्स बढ़ेगा, लेकिन क्या बातें करते हैं भाई साहब, ये जो सड़कें बढ़िया करी हैं, आज भी मोबाइल ट्रांसपोर्ट से विदाउट बिल का माल करोड़। नोटबंदी और GST पे काम हुआ है, नोटबंदी और GST का असर दिख रहा है इस बार चुनाव? कोई नोटबंदी और GST का कोई कैसा असर नहीं है, खाली आज का युवा आज की जनता खाली विकास के ऊपर वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज करेगी। ये धर्म के नाम पर चीजें होती है, मजहब के नाम पर चीजें होती, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए ना, हम आपकी बात को समझने के लिए आए। धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर सियासी रोटियां नहीं सेकनी है, बिल्कुल नहीं सेकने देंगे सियासी रोटी, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या करेगा मोदी जी ने, सब कर्जदार बना दिया, बिजली दे देंगे, गैस दे देंगे, सब कर्जदार बना दिए मोदी जी ने, किस क्या गुना गरीब आदमी को मजदूर आदमी को क्या मिला?
फिर भी कल जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी विकास की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ी बात। विकास के लिए जो ना अलीगढ़ के अंदर बहुत सारी विकास की व्यवस्था हुई, और ये बात फैक्ट है, चाहे नोटबंदी का मैटर हो या जीएसटी का मैटर हो, क्योंकि किसी भी एक ऑपरेशन के बाद में किसी परेशानी के लिए ऑपरेशन किया जाता है, उस ऑपरेशन के बाद में हमेशा लाभ मिलता है, और जो लाभ आने वाली जनता को समय में मिलेगा, और मोदी लहर पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में, निश्चित ही उन्हें लाभ मिलेगा, पब्लिक को भी। क्या लगता है आप वोट डालेंगे? जी मोदी जी को। वोट डालेंगे मोदी जी को? क्या लग रहा है वोट डालेंगे ना? हम वोट डालेंगे, विकास के नाम पर वोट डालेंगे, और प्यार मोहब्बत के नाम पर वोट डालेंगे, ना जिन्ना के नाम पर डालेंगे, ना पाकिस्तान के नाम पर डालेंगे। भारत माता को सशक्त बनाने के लिए, भारत के नागरिकों को स्वाभिमानी बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा एक बात समझ में, प्रियंका से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? प्रियंका उस दुर्गा का नाम है, उस चामुंडा चंडी का नाम है, जो भारत की महिलाओं को। प्रियंका कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी नाक के ऊपर वोट ले रही है, अपनी शक्ल के ऊपर वोट ले रही है। प्रियंका ने किया है आज तक अपने रॉबर्ट वाड्रा, जो कि इतना नाक के नीचे उसके घोटाले करता रहा, जमीनों के घोटाले करता रहा, और उसको रॉबर्ट वाड्रा की बात आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा, अगर रॉबर्ट वाड्रा दोषी होते, सरकार भाजपा की है तो जेल भेजते, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। रॉबर्ट वाड्रा जरा भी दोषी नहीं है। गठबंधन का जादू चलेगा? गठबंधन का ही जादू चलेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वोट का लालच देकर के वोट मांगने का कार्य कर रही है कि 72,000 देंगे कि 15 लाख देंगे। एक हमारा गठबंधन ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बात पर, विकास के मुद्दों पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। तो ये अलीगढ़ के मतदाता हैं जो 18 तारीख को वोट डालेंगे, अपने वोट की ताकत को ये समझ रहे हैं। मुद्दे कई हैं, लेकिन ये अमन का पैगाम देके इस शहर को, जो कि तालीम का शहर है, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वहां से ये मैसेज दे रहे हैं कि ये अपना वोट डालेंगे। ये यहाँ के जनता का मन है, जनता का मूड है, जिसको हमने आपको कहता है वोटर में बताने की कोशिश की। किसी और शहर में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए कैमरामैन वसीम के साथ अनुपम मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।